बिल निकाल दीजिए। गैस टंकी फुल हो गया है। क्या चीज़ कमाई होती है कोई? नहीं अभी तो कमाई नहीं हो रही है, लेकिन आगे चल के सबका प्यार रहा तो मिलेगा। कौन सा चांदी नहीं है ये? चांदी है जी ये। अच्छा क्या पूछ रहे थे? अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं ना तो लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलो पैसा इन्वेस्ट करने लायक है। अभी उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है तो फिर ज़्यादा अभी ड्रोन भी लेना है। अब ड्रोन आपका पड़ेगा 1,00,000 रुपये का। हाँ यही वाला तो चल ही रहा है खाली, यही वाला चल ही रहा है। ये वाला अच्छा भी लगता है? नहीं यही चलाइबा करते हैं खाली, और कोई नहीं चलाते हैं। अभी दो काम हुआ है, हॉर्न लग गया, फ्लैश लाइट लग गया, अब फॉग लाइट लगाना रहेगा और एलईडी लाइट लगाना रहेगा। अभी तो हम सर अलग अलग स्टेट में जाकर ब्लॉग बनाते हैं। जैसे अभी अभी गोरखपुर में है ना, तो जो राइड करते हैं जैसे हो गया आपके समझ लिया मनाली हो गया, लद्दाख हो गया, कश्मीर हो गया, अमृतसर हो गया, ऐसे तो हम जहाँ पे रहेंगे अवेलेबल वहाँ का वीडियो पड़ता रहेगा। फैन भी लगा हुआ है, सही है। एक नंबर को पहुंचने के लिए। और बाइक में आप कोई भी सामान बाहर से ज़्यादा नहीं लगवाएंगे, मोटिफाई ज़रूरत के सामान लगवाएंगे गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और एकदम परफेक्ट जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि तो गाइस जो हॉर्न लग रहा है ना वो किस पे सेटअप हो रहा है पता है आपको? ये जो लेग गार्ड कनेक्ट है ना उस पे सेटअप हो रहा है, देख पा रहे हैं आप? देखिए ये लेग गार्ड है ना, तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं इसको यहाँ पे सेटअप हो रहा है। तो ये हॉर्न हम नहीं निकलवा रहे हैं, ये हॉर्न यही तो पड़ा रहेगा, इमरजेंसी में काम आ सकता है। और जो हॉर्न सेटअप हो रहा है वो लेग गार्ड के नट पे सेटअप हो रहा है। कितना हॉर्न बज रहा है? एकदम सही है, सही लगा दीजिए, सही है। तो भैया को हाय बोल रहे हैं, आप लोग भी हाय बोलिए, लेकिन आप लोग हाय कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। तो ये लक्ष्मण भैया हैं और ये बाइक पे काम करते हैं हमारे। तो अगर कोई शेयरिंग में चलना चाहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे काम हो रहा है गाइस, लेकिन हो सके तो देखिए बाइक चल जाती है कि नहीं। क्योंकि जब तक मेरे पास 1,00,000 सब्सक्राइबर पार नहीं हो जाता या 1,000,000 सब्सक्राइबर हो नहीं जाते तब तक मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा और ना ही हमसे बोलेगा कि आप भी मेरे साथ राइड पे चलिए। तो स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 10:16 7 तारीख और अभी जा रहे हैं ये फॉग लाइट लगवाने, और ये फोन होल्डर भी लगवाना है और ये भी लगवाना है, और इस बैग को लेकर जा रहे हैं। और ये बैग मेरे लिए बहुत लकी है गाइस, अमेरिकन टूरिस्ट का है बैग। वो हम कंपनी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बैग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैरी करना रहता है, डॉक्यूमेंट्स भी, इसीलिए अच्छी क्वालिटी का बैग इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं कौन कौन सामान। ये तो मैं घर पर लगाऊँगा, इसकी दुकान में ये मैं घर पर लगा लूँगा। और ये सब जो इलेक्ट्रिक चीज़ है ना, इसलिए हम घर पर नहीं लगाते इसको, क्योंकि कोई टाल फॉल्ट हो गया तो बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो काम आपको आता है वो काम अपने खुद ही कर लें, जो ना आता है वो मिस्त्री से करा लें, और सीखते भी रहें कि मतलब कैसे क्या कर रहे हैं, कि बाद में अगर दिक्कत हो प्रॉब्लम राइड में तो आप सही कर सकें। बाकी ये लाइट मुझे पड़ा था 300 रुपये पड़ा था ऐसे, और ये 6-7 आया था बटन, और ये तो मुझे पड़ा था 800 रुपये का, इसका ब्लॉक डाल चुके थे। ये 400 मुझे 2500 रुपये का था, लेकिन डिस्काउंट में 1500 का मिल गया था। बहुत महंगा है गाइस ये होल्डर, फोन होल्डर सर ने लिखा भी होगा, ये ब्लर आ जाता है ना, देखिए अभी लिखा हुआ फोन होल्डर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोर ब्लॉग, सटको हेलो। इस ब्लॉग में ये रहने वाला है कि बाइक में जो सारा सामान लगवाए थे, मॉडिफाई करवाए थे, सब सामान निकाल लिए थे तो जा रहे लगवाने। तो स्पेशली मैं गाइस आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर 1500 राइड करते रहेंगे ना तो 2000, 3000, 4000, 5000 राइड आराम से कर लेंगे। तो छोटी छोटी राइड करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए इंडिया बहुत बड़ी बात है, और आधा इंडिया घूमने में ना आधी जिंदगी निकल जाएगी। तो हम सोच रहे थे ना कि हर हफ्ते हर महीने में एक राइड जरूर मारें, हफ्ते में नहीं मार पाएंगे तो हर महीने में एक राइड जरूर मारें। तो हम सोच रहे हैं कि जो पैसे कमा रहे हैं तो बाइक तो लगा ही रहे हैं, लेकिन हर महीने में एक दो राइड जरूर मारते रहें। तो अभी चलते हैं बाइक में जो सामान लगता है लगवाते हैं, आज जो अलग से लगवाना हो वो भी लगवाएंगे। उसके बाद से राइड की तैयारी चल रहा है, अभी पंचर किट मंगवाना है, हवा भरने वाली मशीन भी मंगवाना है, और बाकी बहुत सामान मंगाना है। और ज़्यादा सामान में कैरी नहीं करेंगे, 2 सेट कपड़ा रख लेंगे और जूता वूता रख लेंगे। अभी राइडिंग जैकेट मंगवाना है और राइडर शूज भी मंगवाना है। तो यही सब है कि सारा यूट्यूब पे का जितना राइडर शूज है ना, सब बहुत महंगे महंगे पार्टे हैं, तो हमें खरीदने में थोड़ा सा बचत मेरा फेल हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पैसे जुटा जुटा के, तो बाइक में ज़्यादा फालतू काम नहीं कराता हूँ, फालतू में इसलिए काम नहीं कराता हूँ ना, जो जरूरत हो। अब जैसे हाईवे पे चलते हैं तो हॉर्न मुझे तेज चाहिए, तो हॉर्न लगवाएंगे, फॉग लाइट जरूरत होता है राइड में, तो दिन में राइड करेंगे, रात में होटल लेके रूम लेके, मतलब
रूम लेके रुक जाएंगे और फिर उसके बाद से मॉर्निंग में 5-6 बजे निकल जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा मंजिल को कवर करेंगे ना उतना जल्दी मंजिल पहुँचेंगे। तो अभी देखते हैं कौन सा राइड में जाते हैं, बाकी स्पेशली हम बताएंगे दिमाग में अपने पास, तो ज़्यादा नहीं 400-500 का राइड मारेंगे और 1000 भी राइड चाहते हैं, क्योंकि जिस जहाँ पे हम जा रहे हैं ना वहाँ से दूसरा रोड पकड़ के गोरखपुर आ जाएंगे, क्योंकि उस रोड से नहीं आएंगे। तो अभी चलते हैं, बाइक में जो सामान लगवाते हैं वो भी दिखाएंगे और मैं जो लेकर जा रहा हूँ वो अब तो दिखाई दें, फोन होल्डर करके लगा लेंगे। तो हर महीने 2-3 राइड जरूर मारेंगे और जब छोटी छोटी राइड मारे रहेंगे ना तो लॉन्ग रोड मारने भी, और हो सके तो मैं अकेले जाऊँ या तो किसी को लेकर जाऊँ, वैसे अकेले ज़्यादा है क्योंकि ऐसे कोई है नहीं कि मेरे साथ कोई जुड़े, क्योंकि इसलिए नहीं जुड़ेगा ना, मैं आपको फंडा बता दे रहा हूँ कि उनसे लोग इतना जुड़ नहीं रहे हैं। तो गाइस जो हम राइड करेंगे हो सके तो अकेले राइड करेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए आज के लोग ना एक होता नहीं है हैसियत देख के दोस्ती करना। तो अगर मेरे पास 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं या 1,000,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो ऑलरेडी ऐसे बहुत लोग यूट्यूबर होंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे। जब तक हमारे पास 50,000 1,00,000 सब्सक्राइबर पार नहीं जाते, 1,000,000 सब्सक्राइबर ऐसे लोग नहीं जुड़ेंगे। और कोई भी मिलता है ना तो बोलते हैं भाई यूट्यूब पे कितनी फैमिली है, यूट्यूब पे कितनी फैमिली है, तो हम बोलते हैं सर उस पे जाएंगे आप देख लेंगे और 1,000 सब्सक्राइबर पार है हमारे। तो आप लोग से प्यार सपोर्ट मिलता रहे, ऐसे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि एक ही सवाल उठता है कि आपकी यूट्यूब फैमिली कितनी फैमिली। तो हम चाहते हैं कि लोग, हमको ऑलरेडी पता है गाइस कि 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1,000,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी लोग ऑटोमेटिक हमारे पास आएंगे जुड़ने के लिए, उससे पहले नहीं आएंगे। तो इसलिए ज्यादा करके होगा कि हमें अकेले राइड करें, बाकी कैमरा स्टैंड लेके जाएंगे कि मतलब अच्छे से हम वीडियो बना सकें और फोटो खींच सकें। तो फटाफट चलते हैं, लेट नहीं करते हैं और उस बाइक में सामान लगवाते हैं, क्या क्या सामान लगता है वो सब बताएंगे और कितना पैसा खर्च होने वाला वो भी बताएंगे, क्योंकि मायने ही रखता है कि आप कितना पैसा पे किए हैं। तो पैसे की सबसे इंपॉर्ट चीज़ होती है, तो हम जो पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब पर खर्च कर रहे हैं, बाकी सारा सामान मंगवा रहे हैं, धीरे धीरे जो भी सामान खरीदते हैं उसका भी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते रहते हैं। तो यूट्यूब पर डेली अपडेट हम दे रहे हैं यूट्यूब फैमिली को, और आप लोग देते रहिए, लाइक करते, कमेंट करते रहिए और मोटिवेट होते हैं गाइस जब आप कमेंट करते हैं, उसका रिप्लाई हम देते रहते हैं, इग्नोर नहीं करते, आप देखते भी होंगे। तो जाइए फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए और सामान लगवाते हैं, जो पैसा देंगे वो भी बताएंगे और कौन कौन सामान लगा वो भी बताएंगे। गाइस मैं गोप्रो वाली हेलमेट लेके जा रहा हूँ और इसमें सोच रहा हूँ ना गोप्रो लगाने के लिए, तो हो सके तो एक गोप्रो और हम मंगाने वाले हैं, क्योंकि इसकी बैटरी ना 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो वो हेलमेट छोटा हो गया था जो जुपिटर के साथ हम खरीदे थे, स्टीलबर्ड का है, और ये वाला तो अलग से मैं खरीदे थे। तो सोच रहे ना इसमें भी गोप्रो लगवा दें, क्योंकि ये दोनों हेलमेट कैरी करेंगे, क्योंकि इसमें ना नाइट में जब बाइक चलाते हैं ना तो दिखता नहीं है, तो हो सके तो ये भी हेलमेट हम कैरी करेंगे, और जब कैरी करेंगे तो इसमें भी गोप्रो चाहिए। तो एक गोप्रो और हम मंगाने वाले हैं, उसको निकालने के लिए जुपिटर को निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब गाइस ये है कि वेनम को निकालने के लिए जुपिटर को निकालना पड़ेगा। तो पहले जुपिटर को निकालते हैं, गाइस बाइक को पहले पोछ लें, बाइक समझ लीजिए एकदम नया है गाइस, सब कुछ नया लग के आ रहा है, और जो कपड़े ये पोछ रहे हैं ना ये भी मैं 250 रुपये खरीदा था अलग से बाइक को पोछने के लिए। और बाइक में आप कोई भी सामान बाहर से ज़्यादा नहीं लगवाएंगे, मोटिफाई ज़रूरत के सामान लगवाएंगे गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं और एकदम परफेक्ट जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिस में इंटीरियर कितना अच्छा ये ज़रूरी नहीं है गाइस, आप बिजनेस में कितना माइंड लगा रहे हुए ज़रूरी है। तो हम तो यही कहेंगे बिजनेस में दिमाग लगाइए और ऑफिस के इंटीरियर में ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, क्योंकि ऑफिस कितना अच्छा दिख रहा है ये ज़रूरी नहीं है, आप कितना अच्छा बिजनेस कर ले रहे हो ये ज़रूरी है। और मैंने कभी लाइफ में नौकरी करना सीखा नहीं गाइस, जो भी सीखें बिजनेस करना सीखें और बिजनेस को आगे बढ़ाना सीखें। तो चलते हैं बाइक में, देखते हैं क्या क्या सामान लगता है और कितना पैसा देना रहता है, और लगवाई भी अलग से मुझे देना पड़ता है। वो मिनर को साइड कर लें अच्छे से, और गाइस में चैन ढीला है और बाइक तो सर्विसिंग में आ ही गया है, लेकिन चैन का सवाल लेंगे क्योंकि चैन उतर जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो राइड पे हो सके तो गाइस मैं अकेले निकलूँगा, क्योंकि ऐसे लोग मुझे मिले नहीं हैं कि हम किसी के साथ राइड कर सकें, क्योंकि हम पहले आपसे बोल चुके हैं जब तक मेरे पास 1,00,000 सब्सक्राइबर पार नहीं हो जाता या 1,000,000 सब्सक्राइबर हो नहीं जाते तब तक मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा और ना ही हमसे बोलेगा कि आप भी मेरे साथ राइड पे चलिए। तो स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष मतलब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मैं अकेले राइड करूँगा, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा वीडियो बना के आपको दिखाऊँ प्लेस का, जिस जगह पे जाऊँगा वहाँ का अच्छा व्यू दिखा सकूँ और अच्छे से फोटो। यही है कि एक बंदा साथ में रहता है ना तो थोड़ा रील वील बनाने में और वीडियो बनाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, कि मतलब कैमरे पकड़ लेगा
तो इसीलिए हम कैमरे के सामने हम खुद ही नहीं आ पाते, कैमरे के पीछे रहते हैं लेकिन बताते रहते हैं। तो कम से कम एक कैमरामैन तो चाहिए। तो हम किसी को ऐसे उठा के लेके नहीं जा सकते ना, क्योंकि ऐसे अपने मर्जी से लेके जाएंगे ना तो पूरा टोटल मुझे उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, और मेरे पास इतना बजट नहीं है कि हम भी किसी को लेकर जाएं तो उसका पूरा खर्चा उठा पाएं। क्योंकि गाइस आपको तो पता है कि फ्री का दावा सबको पसंद है, और हमारे पास इतना बचत है नहीं कि हम किसी को फ्री का दावत हम दे सकें। देखिए जो है कैमरे बोलेंगे और आड़े नहीं बोलेंगे। तो जब उतना पैसा हो जाएगा मेरे पास तो हम किसी को अपने पैसे से ले जाकर घुमाएंगे, लेकिन इतना पैसा नहीं कि हम किसी को अपने पैसे ले जाकर घुमाएं। गोरखपुर दिल्ली तो नहीं बन सकता है, लेकिन लखनऊ जैसा अच्छा सिटी बन सकता है, क्योंकि लखनऊ से ज़्यादा बेहतरीन मुझे गोरखपुर सही लगता है गाइस। भले वो लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, लेकिन मुझे गोरखपुर अच्छा लगता है। गोरखपुर गोरखपुर है गाइस। अगर आप कहीं से देख रहे हैं किसी जिला से किसी स्टेट से, तो एक बार गोरखपुर आके घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। और गोरखपुर में ही सीएम का सिटी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर, ये बहुत पॉपुलर है गोरखनाथ मंदिर। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, जिले से भी आते हैं। और हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप गोरखपुर नहीं आए हैं तो गोरखपुर ज़रूर आइए, गोरखपुर घूम के जाइए, नौका बिहार तारामंडल, और गोरखनाथ जरूर आइए, क्योंकि जो गोरखनाथ ना सीएम का आवास है योगी आदित्यनाथ का। तो कृपया करके गोरखपुर जरूर आएँ, घूम कर जाएँ। सबको हाय बोलिए। तो भैया को हाय बोल रहे हैं, आप लोग भी हाय बोलिए, लेकिन आप लोग हाय कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। तो ये लक्ष्मण भैया हैं और ये बाइक पे काम करते हैं हमारे। और आपको भी मोटिफाई का सामान चाहिए, स्टिकर उसको लगाना, किसी भी जिले से हो किसी भी स्टेट से आए तो भैया से मिले, अच्छा काम के देंगे और गारंटी के साथ भी देंगे। तो भैया जी सबको बताइए, वो बोल रहा था कुछ सब्सक्राइबर हमारे कि अगर कोई स्टिकर लगाते हैं गलती से उछर भी जाता है तो आप फिर भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं ना। तो भैया पैसे का वैल्यू नहीं रखते हैं, भैया काम का वैल्यू रखते हैं। और हम वो बता दें, जब से हम इस दुकान पर आ रहे हैं ना तो कभी दुखी नहीं हुए, एकदम खुश हुए। और भैया कैमरे पर वीडियो कॉलिंग भी करते हैं, गाड़ी एकदम गजब चल रहा है कि नहीं, स्टिकर उसको बढ़िया लगा है कि नहीं। और भैया भी बिजी हैं, तो चलिए फटाफट मेरे बाइक पे काम करिए और मैं बता देता हूँ। पहला काम हॉर्न का करिए, क्योंकि हाईवे पे चलते हैं ना, तो हॉर्न पहले, और हॉर्न सबको दिखाइए। तो गाइस ये अनबॉक्सिंग हो रहा है, और ये हॉर्न, भैया कौन सा हॉर्न है ये? G95। और कौन सी कंपनी का है? मिंडे का। चलिए दिखाइए इनको। तो गाइस ये जो हॉर्न लग रहा है ना, ये वाला हॉर्न लगा रहे हैं, कि जो ब्लैक वाला था ना वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो ये भी बहुत अच्छा हॉर्न है। और भैया इसको बजा के दिखा दीजिएगा। तो भैया अभी इसको बजाएंगे। कितना एकदम सही है, सही है, लगा दीजिए, सही है। तो गाइस अब देखते हैं इसमें क्या क्या सामान लगता है, बाकी जो हम लेकर आए थे वो तो अब देख ही हैं। पहले तो हॉर्न का काम है, हॉर्न लग जाता है, फिर इसके बाद से इसका ना फॉग लाइट भी लगाना है। फॉग लाइट इसलिए लगाना है, नाइट में ज़्यादा करके बाइक तो नहीं चलाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ सकता है तो फॉग लाइट लगाना है। बाकी तो सब सही है। और खास चीज़ बताएंगे गाइस, बाइक एकदम नया लग रहा है, बिल्कुल एकदम नया। लाइट भी देख रहे हैं ना, चमक रही है। गाइस ये जो क्लिप है ना, क्लिप से अलग से बैठा रहे हैं। और ये क्या है भैया? हॉर्न रिले। तो गाइस ये हॉर्न रिले है, इसको दिखा दीजिएगा। और ये हॉर्न लगाने से पहले ना, ये जो लगाना जरूरी रहता है, इसे लगाने से क्या होगा ना, हॉर्न अच्छा बजेगा और बैटरी पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये भी मिंडे का है। तो जो है हॉर्न नया लग रहा है, ये भी नया लग रहा है। और इसमें जो बैटरी से कनेक्शन था ना गाइस, वो पहले से कनेक्शन है, बस खाली इसको सेटअप करना है। ये जो है ना, देखिए बैटरी से निकला हुआ है ना, ये पहले से हमारा लगा हुआ था, तो निकाल के रखे तब देखे थे ब्लॉग में, तो हमारा बैटरी से कनेक्शन है, तो बैटरी के तार पर निकला हुआ है, खाली सेटअप करना है।
सर गाइस इसके बाद हारन लग जाए उसके बाद से हम आगे काम इसको बढ़ाते हैं। गाइस इंडिकेटर भी नया है, सब कुछ नया लगाया है। आई देखिए ये भी नया लगा, ये भी मतलब सब कुछ नया ही लगा भी है। तो गाइस जो हारन लग रहा है ना वो किस पे सेटअप हो रहा है पता है आपको? ये जो लेग गार्ड कनेक्ट है ना उस पे सेटअप हो रहा है, देख पा रहे हैं आप? देखिए ये लेग गार्ड है ना, तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रू है यहाँ पे सेटअप हो रहा है। तो ये हारन हम नहीं निकलवा रहे हैं, ये हारन यही तो पड़ा रहेगा, इमरजेंसी काम आ सकता है। और जो हारन सेटअप हो रहा है वो लेग गार्ड के नट पे सेटअप हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक सेटअप कर दिया, अब यहाँ पे एक सेटअप होगा और रिले जो है ना इसी पे बांध देंगे। तो हारन कभी भी लगाएं तो हारन रिले जो है वो जरूर लगवाएं, क्योंकि वो बैटरी पर प्रभाव ज़्यादा नहीं देने देता और ज़रूरी होता है रिले। क्यों भैया सही है ना? और जो हारन का सेटअप होगा वो लेग गार्ड पे होगा। और हम जगह की बता दें हैं सुनसागर पे है, ये जाएगा विजय चौराहे और ये जाएगा आपका धर्मशाला साइड। बाइक की हेलमेट देखे हैं और ब्लैक में ब्लू में कार्बन दिए और बाइक की बहुत अच्छा मज करेगा बाइक के साथ। तो बाइक के साथ कैसा लगेगा पहन के हम दिखा रहे हैं। अच्छा है एक नंबर भैया, एक नंबर का बैठा, एक नंबर का जैसे सही से बैठा। सूट कर रहा भैया एक नंबर। तो कमेंट में बताइए इसको डन करने के लिए, क्योंकि ये अभी तो रखा हुआ है डिस्प्ले पे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कैमरा सीधा करिए, तो कमेंट करेंगे तो आज इसको परचेज कर लेंगे, एकदम बढ़िया डिस्प्ले था। गाइस लोगों यहाँ तक लगवा दिए, आगे इसलिए ज़रूरी होता ना कि मतलब यहाँ से लोग देखते हैं ना, इसीलिए आगे ज़रूरी रहता है गाइस। और यहाँ पे अभी कुछ नहीं लगवा रहे हैं, तो लगवा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा बदलिंग हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। अब ट्रैफिक में रुके रहेंगे तो पीछे से कोई भी देखेगा सच मार सकता है। गाइस ये फॉग लाइट है और हम जो लेकर आए थे ना वो देखने में भद्दा लग रहा था, इसलिए इसको नहीं लगवाया। और इसमें पड़ेगा देखिए सही है, इसमें फैन भी लगा हुआ गाइस, जो लो लाइट है सही है। एक नंबर फॉग लाइट आप देख रहे हैं ना, ये 5000 रुपये का और हमारा उतना बजट अभी नहीं है, इसीलिए इसलिए नहीं लगवा रहे हैं। और इसका बजट हो जाएगा तो आके लगवा लेंगे। और इसका दोनों दो सेट है ना गाइस, इसका दो सेट है, एक ये है लेफ्ट राइट दोनों लगेगा और ये लेग गार्ड पे लगेगा, ये आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर लगेगा ये। तो 5000 रुपये का है, 5000 का बजट बन जाएगा तो आके इसको लगवा लेंगे। और यहाँ पे मोटर लगा हुआ है जो इसको हीट करेगा तो ये चिल्ड कर देगा, मतलब ठंड करेगा। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा कंपनी है भैया? HJG कंपनी का। हम सर अलग अलग स्टेट में जाकर ब्लॉग बनाते हैं, जैसे अभी अभी गोरखपुर में है ना, तो जो राइड करते हैं जैसे हो गया आपके समझ लिया मनाली हो गया, लद्दाख हो गया, था कश्मीर हो गया, अमृतसर हो गया, ऐसे तो हम जहाँ पे रहेंगे अवेलेबल वहाँ का वीडियो पड़ता रहेगा। अब समझ लीजिए गोरखपुर में है तो गोरखपुर का वीडियो पड़ेगा, अब लखनऊ में है तो लखनऊ का वीडियो पड़ेगा, तो जहाँ हम अवेलेबल रहेंगे वहाँ का वीडियो पड़ेगा। हाँ हम जहाँ जाएंगे वहाँ का वीडियो डालेंगे और हम क्या कर रहे हैं क्या दिखा रहे हैं वो सब दिखेगा। और इससे क्या है कि फैमिली को भी पता रहता है कि हम कहाँ पे हैं, तो यूट्यूब पे वो लोग देखते रहते हैं, इसमें रिलेशन भी रहते हैं, सब्सक्राइबर सब लोग देखते रहते हैं, ऑलराउंडर है। हाँ सर, हाँ अभी अभी जैसे लक्षण भैया है ना, तो ये पहले से मतलब इनसे बात हुआ था सामान लगाने के लिए तो लगवा रहे हैं।
क्या चीज़? कमाई होती है कोई? नहीं अभी तो कमाई नहीं हो रही है, लेकिन आगे चल के सबका प्यार रहा तो मिलेगा। कितने वो बिगड़ हो जाते तो कमाई होती? सर इसमें मतलब अलाउ नहीं बताना, बता नहीं सकते ना, मतलब ई टू पी एक क्लेम है। गाड़िया फिर से बन गया, ये हाँ एक्सीडेंट हो गया था ना, तो फिर से बनवा के लाए हैं। ऑटो वाला रॉन्ग लो से चल रहा था, सामने से मार के चला गया, उसको हम रोक ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम गिरे हुए थे। रिकॉर्डिंग तो ही होगी ना? हाँ तो उसी से अप्रूवल मिला है, गोप्रो में वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग हो गया था, जल्दी अप्रूवल मिल गया हमको। फ्लैश लाइट चाबी का बैटरी डाउन हो जाएगा। ऑनलाइन मंगाए थे क्या? हाँ ऑनलाइन मंगाए थे। ये 10,000 का पड़ा था, ये महंगा नहीं पड़ गया, ये सस्ता ही पड़ गया, वाटर प्रूफ है ना। और अभी जो मंगाने वाले हैं वो 56,000 का है, 56 से 60,000 का है। हाँ क्योंकि गोप्रो जरूरी रहता है ना, धीरे धीरे इसको मंगाएंगे। अभी एक बैग है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने कोई मतलब भी नहीं है ना। हाँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने कोई मतलब भी नहीं है, आपको दिखना भी तो चाहिए कि हाँ आपका चैनल ग्रोथ खा रहा है। अब पता चले कि एक बैग हम 2-3 लाख रुपया लगा दें और कुछ प्रॉफिट होगा ना करे तो क्या मतलब है। अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं ना तो लोग मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलो पैसा इन्वेस्ट करने लायक है। अभी उतना सब्सक्राइबर भी नहीं है तो फिर ज़्यादा। अभी ड्रोन भी लेना है, अब ड्रोन आपका पड़ेगा 1 लाख रुपये का। अब 1 लाख रुपये का ड्रोन लेंगे, 1 लाख का स्प्लेंडर आ जा रहा है, तो 1 लाख का ड्रोन तब लेंगे जब कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर पार हों। तो गाइस हॉर्न लग चुका है, फ्लैशर लाइट भी लग चुका है, बढ़ रहा है ना। और इससे भरिएगा उसको, भरिएगा ये इंडिकेटर वा यहाँ पे चेंज करिए, चेंज करिए। तो हमारे लगा बहुत मस्त अच्छी थी, एक्सचेंजर है। एक और चेंज करिए, हाँ फिर से लाइट है। खाली यही वाला तो चल ही रहा है, खाली यही वाला चल ही रहा है। ये वाला अच्छा भी लगता है। नहीं यही चलाई भी करते हैं खाली, और कोई नहीं चलाते हैं। अभी दो काम हुआ है, हॉर्न लग गया, फ्लैश लाइट लग गया, अब फॉग लाइट लगाना रहेगा और एलईडी लाइट लगाना रहेगा। अभी तो अभी हम भी काम करते हैं और जो पैसा आता है यूट्यूब पर खर्च कर रहे हैं। देखो अभी पैसा खर्च कर रहे हैं इस पर, इसमें दो राय तो है नहीं, एक ही राय है। जो पैसा कमा रहे हैं वो यूट्यूब पर खर्च कर रहे हैं। कौन सा चांदी नहीं है ये, चांदी है जी ये। अच्छा क्या पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे? हाँ कैमरा है इसमें, तुम रिकॉर्ड हो रहे हो, अब यूट्यूब पे डालेंगे, लोग तुमको देखेंगे। अच्छा ये चांदी नहीं है, सीकर है, लोहा है कहाँ? चलो चांदी का पहनो, चांदी का अच्छा लगेगा। इसको यहाँ पे रख दिए हैं, यहाँ पे उसको रख दीजिएगा। तो गाइस अभी चल रहे हैं, टंकी फुल करवा दें और बाकी मैं यहाँ पे स्टिकर लगवा दिए हैं, हॉर्न लगा दिए हैं, फ्लैशर लाइट भी लगवा, इंडिकेटर का लग गया है और यहाँ का भी लोगो लग गया है, और बाकी फॉग लाइट और एलईडी लाइट बाद में आके लगवा लेंगे। इसमें ये लाइट है और ये वाला, हाँ सही है। बाकी का इस बाइक में जितना काम कराना सब करा दिए हैं, और एलईडी लाइट फॉग लाइट लगाना बचा हुआ है वो बाद में आके लगवा लेंगे, क्योंकि अभी बजट नहीं हमारे पास। अभी चलना टंकी फुल कराने, पहले तो चैन कसवा लेंगे गाइस। लसम भैया चल रहे हैं, ठीक है।